चला जाए कि दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलू अगाड़ी। बाबा के विषय में आपने तमाम सारी विशेषताएं बताई, मैं बता रहा हूं। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलू अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। शिवली में मैं जाऊं और सबको ये बताऊं, शिवली में मैं जाऊं और सबको ये बताऊं, क्या चिंता था चिता चिता चिंता था ये 51 पुष्प मुद्राओं का पुरस्कार आया है। अंबेडकर संगीत मंच गायक परम आदरणीय आशीष अन्याना, लेखक परम आदरणीय अरविंद पेंटर जी की तरफ से, और ये 101 रुपए का पुरस्कार, भारी भरकम पुरस्कार आया है। जगदीश वर्मा बर्रा और संतोष तिवारी नौबस्ता, संतोष तिवारी नौबस्ता आपकी ओर से भैया को नमन है, हार्दिक हार्दिक बंधन है। अब सुनिए, 51 पुष्प मुद्राएं सुजीत भैया जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं श्याम नगर में, बहुत अच्छे। दुनिया के भ्रष्टाचारी सब पड़ गए हैं भारी। देखिए गीत में है कुछ नहीं। दुनिया के भ्रष्टाचारी सब पड़ गए हैं भारी, अनशन से भागे बाबा बन करके एक नारे। अरे भाई अगर ऐसे ही थे तो भागे काय थे, और क्या, और भागते तो वैसे ही भागते, लेकिन सलवार कुर्ता पहन के भागे, उठा के भागे। दुनिया के भ्रष्टाचारी सब पड़ गए हैं भारी, अनशन से भागे बाबा बन करके एक नारी। अन्ना की टोपी लाऊं ओ सबको ये बताऊं, अन्ना की टोपी लाऊं ओ सबको ये बताऊं, अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना बाबा, अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना बाबा, अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना बाबा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले अन्ना हजारे ने अनशन किया भ्रष्टाचार को लेकर के, और उसके बाद में बाबा रामदेव जी की भी वही मांगे थी, तो अन्ना ने बाबा रामदेव जी से कहा कि जब आपकी और हमारी मांगे दोनों एक हैं तो क्यों ना मिल करके अनशन करें, और क्या। तो बाबा ने क्या कहा, ना बाबा। और जब अन्ना हजारे का दोबारा अनशन फेल हुआ, तब उन्होंने बाबा रामदेव जी को साथ में लेने की बात करी, तो एक तरफ विरोधाभास है और एक तरफ सहमति है, एक बार मना कर रहे हैं फिर एक बार जुड़ रहे हैं। देखिए, दुनिया के भ्रष्टाचारी सब पड़ गए हैं भारी, अनशन से भागे बाबा बन करके एक नारी। अन्ना की टोपी लाऊं ओ सबको ये बताऊं, अन्ना की टोपी लाऊं ओ सबको ये बताऊं, क्या अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना बाबा अन्ना ना बाबा बाबा अन्ना बाबा। ऐसी कुछ बातें लेके आइएगा, जैसे मैं उदाहरण भी दे दूं आपको। बातें हैं मीठी खट्टी, लागू हुआ जीएसटी, जब लागू हुआ जीएसटी तब की बात बता रहा हूँ। बातें हैं मीठी खट्टी, लागू हुआ जीएसटी, किसी की हो गई चांदी किसी की हो गई मिट्टी।
जनता के बीच जाओ और सबको ये बताओ, जनता के बीच जाओ और सबको ये बताओ, मोदी ना योगी होगी, मोदी योगी मोदी ना योगी होगी, मोदी योगी ना योगी होगी, योगी मोदी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो तमाम लोगों ने ये कहा कि ये हिमालय में तपस्या करने गए ये योगी पुरुष हैं, तो तमाम लोग उसको नकार भी रहे थे। बातें हैं मीठी खट्टी, लागू हुआ जीएसटी, किसी की हो गई चांदी, किसी की हो गई मिट्टी। जनता के बीच जाओ और सबको ये बताओ, जनता के बीच जाओ और सबको ये बताओ, मोदी ना योगी होगी, मोदी मोदी ना योगी होगी, मोदी मोदी ना योगी होगी, मोदी मोदी। एक वाक्य और मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में एक बड़ी समस्या आ गई, जब बाप बेटे यानी कि परम आदरणीय मुलायम सिंह और श्री अखिलेश यादव में छिड़ गई और दो दल हो गए। साइकिल की है सवारी, सवार हुए सवारी, साइकिल की है सवारी, सवार हुए सवारी, इकट्ठे हुए परिवारी, फिर ऐसी मारा मारी, सब भागे भागे आए एक दूजे को बताएं, सब भागे भागे आए एक दूजे को बताएं, पप्पा ना बेटा बेटा पप्पा बेटा, पप्पा ना बेटा बेटा पप्पा बेटा, पप्पा ना बेटा बेटा पप्पा बेटा। एक समय ये हुआ कि ना बाप बेटे की मान रहा था, ना बेटा बाप की मान रहा था, और फिर उसके बाद में दोनों एक हुए। देखिए विरोधाभास है लेकिन सहमति भी है कि पप्पा ना बेटा बेटा पप्पा बेटा पप्पा। और ममता बनर्जी बंगाल की, जिसको देखो एक हवाई चप्पल और एक धोती में घूम रही है, कह रही मुझे कोई मतलब नहीं माया से, और जैसे ही नोटबंदी हुई ऐसे फड़फड़ा रही थी कि लग रहा था सारा खजाना इनका लुटा जा रहा है हुआ। और इधर माया तो ममता ना माया माया, बात को समझ लीजिए कि ममता कह रही मुझे माया नहीं चाहिए, मैं माया से दूर हूं, बहुत सादा जीवन उच्च विचार। तो ममता ना माया माया, ममता माया, ममता ना माया माया, ममता माया, ममता ना माया माया, ममता माया। ये सब उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ममता ना माया माया, और जब चुनाव हुए तब दोनों एक हो गए, इसलिए ममता ना माया माया, ममता माया, अन्ना ना बाबा बाबा, अन्ना बाबा, अन्ना ना बाबा बाबा, अन्ना बाबा, सुरेश सितारा जी को सुना, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने और साथ ही में मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि बस अब कार्यक्रम समापन की ओर आ ही चुका है, ये मेरे ख्याल से आखिरी राउंड है पद्मा जी की तरफ से, इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो अब सदस्य में मैं भी नहीं ले रही हूँ और आप सभी को चार लाइनें देश के लिए सुनाने जा रही हूँ, और बात अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। पद्मनी जी एक सेकंड देखिए, मैं चार पंक्तियाँ इस कौमी एकता धाम में जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर ये कार्यक्रम कराते हैं। कोई धर्म किसी से बड़ा नहीं, कोई धर्म किसी से छोटा नहीं। ना एक शायर ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूं। कैसे? सुनिएगा। हेलो, मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है, हैं हम दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूं तू हिंदू है,
हैं हम दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ मेरी कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक थाली में ही खाना खाए सारा हिंदुस्तान। धन्यवाद है। कार्यक्रम को चलते चलते पूरा दिन बीत रहा है, शाम हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं गाना शुरू करूँ उससे पहले एक बार आप सभी बहुत जोरदार जो है अपने भारत की बोले। बिल्कुल बोलिए, भारत माता की। ऐसे जय नहीं होती, ये जो जैकेट में हाथ डाले हैं ऐसे के, सब हाथ निकालिए और एक नारा बुलंद करते हुए जय बोलिए। सबके हाथ ऊपर दिखाई देने चाहिए। बोलिए भारत माता की। ये हुई कोई बात भाई, आज का दिन है, आज एक राष्ट्रीयता बड़ा उबाल मारती है सबके अंदर। मतलब 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 अक्टूबर, ये कुछ ऐसी तारीखें हैं कि जगह जगह आपको गाने सुनाई देंगे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो चल रही हूँ इस परंपरा का निर्वहन कर रही हूँ। सितारा जी ने मेरी एक छोटी सी बात के पीछे पूरा गाना दोहरा दिया। इतना टेंशन में आ गए आप, अभी आपका पेंशन का बहुत समय बाकी है सितारा जी। अरे हमने ये कहा था, हमने ये कहा था कि आपने पॉजिटिव बाबाओं का नाम नहीं लिया, तो फिर आपने पूरा गाना गाया और कहा देखिए मैंने तुलसी बाबा को बताया, ये बताया, वो बताया, ये सब ठीक है, लेकिन मैं कलयुग की बात कर रही थी। जहां कलयुग में आपने बताया आसाराम जी को, राधा जी को, तो यहाँ मेरा मतलब था कि एक कोई पॉजिटिव भी बाबा ढूंढ लेते, तो जो जवाब में मैंने रामदेव जी को आपके सामने प्रस्तुत किया, और जब प्रस्तुत किया तो आप सबको छोड़ के उनकी लॉकिंग पीछे पड़ गए। हद है इनको, लौकी बहुत प्रिय है। कैसी बात करते हैं, हम तो आपके घर जब जब गए तो भाभी जी ने लौकी ही बनाई थी। तो ज्यादा परेशान नहीं हुई, सारी बातें घर जाएंगी आपकी। भैया भाभी दोनों लौकी लेते हैं। खैर, अच्छी बातों का हमेशा समर्थन होना चाहिए, और जो जिसकी पहचान होती है उस हिसाब से उसका प्रस्तुतिकरण भी होता है। मैंने कहा कि देखिए मेरी तरफ देखिएगा और मैं सिर्फ जो करूंगी उससे आप उनका नाम ले देंगे, और मैंने किया, लोगों ने पहचान लिया, सबने चिल्ला कर बताया बाबा रामदेव जी। तो ये सब टैक्ट है, और हमारे सुरेश सितारा जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, और ये सिर्फ कीर्तनकार नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आर्मी से कनेक्टेड व्यक्ति हैं, ये देश की सेवा में तत्पर हैं, और इनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। बाकी हरी सब्जियों की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा इधर उधर ना भटके, खास करके लौकी। चलिए भैया एक कटपीस आपने गाई है, चिंता ता चिता चिता चिंता चिता। वाह बड़ी चिंता। सबसे पहले तर्ज आपको बता रही हूँ, सुनी हुई है आपकी। दुनिया चले पिछाड़ी, दुनिया चले पिछाड़ी और मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सिंगड़ी को लेके आऊं और सबको मैं बताऊं क्या चिंता ता चिता चिता चिंता चिता चिंता ता चिता चिता चिंता चिता चिंता चिता
बड़े आराम से काम निपट जाता है। पता नहीं काहे की भड़ 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 लगी पड़ी है। खैर कोई बात नहीं, सब होता रहता है। समय दे रखा है, मन तो लौकी में रखा है। खैर अरे उनको उनकी व्यवस्थाओं के साथ आप लोग छोड़ दीजिए, बात बात डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, हद है। सुनिएगा, आपने तमाम राजनीतिक बात बता दी, हालांकि मुझसे ये कहा गया था कि कोई राजनीतिक बिंदु पर बातचीत नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग बहुत माठा नहीं बनाते हैं। ना, 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 माठा नहीं बनाने का मतलब है कि जवाब बहुत लंबा हो ये जरूरी नहीं है। ना, जवाब छोटा हो, मजेदार हो, एप्रोप्रिएट हो, यानी समझ में सबके आ जाए, क्योंकि वही समय आप कुछ और सुना सकते हैं, एक नया गीत सुना सकते हैं। और क्या, हम लोग माठा से क्रीम निकाल लेते हैं। तो आपने तमाम लोगों के विषय में बता दिया, आपने ममता जी के बारे में बताया, माया जी के बारे में बताया। हेलो, मैं एक जो पर्सनालिटी है जिनका जिक्र आपने शायद नहीं किया, मेरे लिए छोड़ दिया हो, तो मैं उसी में बात पूरी कर लूंगी, जिनके लिए अक्सर हंसी मजाक में कह दिया जाता है कि पप्पू पास हो गया। आप लोग समझ गए मैं किन की बात कर रही हूँ, समझ गए भैया? तो जरा जोरदार एक बार उनका नाम ले दीजिए, क्या बात है। राहुल गांधी जी की बात करने जा रही हूँ, चूंकि आप लोगों को हंसाना मेरा मकसद है, किसी पर टिप्पणी करना मेरा प्रयास नहीं ना। तो इसको कहीं अन्यथा अगर कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति बैठा हो तो ना ले। अध्यक्ष पद छोड़ दिया राहुल गांधी जी ने, चूंकि आपने सवाल किया है, जवाब में मुझे ये लाना पड़ रहा है, और जब अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो सब लोग चिरौरी करने लगे, यहां तक कि लोग रोने लगे कि आपके अलावा कोई है नहीं, कोई है नहीं, सितारा जी कोई है नहीं, ना। आकाश में एक ही आप सितारे हैं जो अपनी अलग छटा बिखेरते हैं, कोई है नहीं, कोई है क्या, कोई नहीं है। तो राहुल जी से तमाम लोगों ने कहा तो हुआ क्या, क्या अध्यक्ष पद है छोड़ा, अध्यक्ष पद है छोड़ा, पद से है मुखड़ा मोड़ा, ना बात कोई मानी, सबका है दिल तोड़ा, क्योंकि बड़े प्रयास किए, जो इलेक्शंस निकल गए आप लोग को मालूम है रिजल्ट क्या हुआ। तो अध्यक्ष पद है छोड़ा, पद से है मुखड़ा मोड़ा, ना बात कोई मानी, सबका है दिल तोड़ा, है फेल हुआ राहुल, है खेल करे राहुल। तो लोगों ने कहा पप्पू ना पास हुआ, पप्पू 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 ना पास हुआ, पप्पू 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 ना पास हुआ, पप्पू 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 ना पास हुआ, पप्पू पप्पू। बहुत सारे लोग उनको राहुल बाबा भी कहते हैं, क्योंकि आप बाबा बाबा लाए तो मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, पप्पू बाबा बाबा, पप्पू बाबा, पप्पू बाबा, पप्पू बाबा, पप्पू बाबा। पप्पू कहा जाता है यानी राहुल बाबा बाबा, राहुल बाबा, राहुल बाबा बाबा, राहुल बाबा, राहुल बाबा बाबा, राहुल बाबा। बोली राजा रामचंद्र की जय।